सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली यार, जो है वो 25 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम ओवर हो चुका है और बच्चों का एनालाइज हो चुका है। मतलब बच्चों ने अपना बता दिया कि किस टाइप का पेपर आया है, लेकिन इस शिफ्ट में हमें कुछ अलग देखने को आया है। तो कैसे क्या है, कौन सा हमारे सब्जेक्ट ईजी है, कौन सा मॉडरेट आया था, कौन सा टफ आया था, किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि यार, इस शिफ्ट में औरों के शिफ्ट के हिसाब से थोड़ा सा अलग बता रहे हैं। जितने बच्चों के रिव्यू आया है, मैं जो भी बताऊंगा उससे तुम लोग सहमत हो या नहीं ये कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर कुछ अलग है तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि जितने बच्चों का रिव्यू हमारे पास आया है हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो बच्चों के रिव्यू के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बार जो है केमिस्ट्री की बात किया जाए तो केमिस्ट्री उतना ईजी नहीं आया है जैसे कि हमने मॉर्निंग का शिफ्ट देखा था या फिर 22 जुलाई का शिफ्ट देखा था। दोनों में बता रहे थे बच्चे सब की केमिस्ट्री जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड था, लेकिन इसमें बता रहे हैं कि केमिस्ट्री जो हमारा ईजी टू मॉडरेट लेवल था। सो बेसिकली केमिस्ट्री को इजी नहीं बता रहे हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की, तो बच्चे बता रहे हैं जो हमारे 25 क्वेश्चंस थे उसमें से शुरू के जो 20 क्वेश्चंस थे उसमें हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ज्यादा देखने को मिला था। बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री के मुकाबले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेजर थे, ठीक है, ज्यादा थे। और जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो हमें इंटीजर टाइप में देखने को मिला था। तो ये तो था हमारा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री बता रहे हैं बच्चे की थोड़ा लेंथी साइड में भी था। तो बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें बच्चों के अकॉर्डिंग तो केमिस्ट्री हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल था। अगर फिजिक्स की बात किया जाए तो फिजिक्स भी हमारा इजी टू मॉडरेट लेवल ही कहेंगे, क्योंकि यार फिजिक्स की भी अगर बात करें तो फिजिक्स में भी जो है पहली बात तो ये कि हर एक चैप्टर से कवर करने की कोशिश किया है। काइनेमेटिक्स से जो है वो काफी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे के अकॉर्डिंग, तो काफी अच्छी बात है। क्योंकि जनरली अगर बात करें जनरली तो काइनेमेटिक्स के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा इजी लेवल में होता है, इजी साइड में होते हैं। सो बेसिकली और बात किया जाए फिजिक्स का तो फिजिक्स काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था, काफी क्वेश्चन लेंथी भी था। तो फिजिक्स भी अगर ओवरऑल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट लेवल था। और अगर बात करें चैप्टर्स की तो हर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया गया था। एसएचएम की बात किया जाए, वेव की बात किया जाए, थर्मोडायनेमिक की बात किया जाए, केटीजी की बात किया जाए, किसी भी चैप्टर की अगर हम बात करें तो लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला था। वेव से भी 2 क्वेश्चन आया था फिजिक्स की अगर बात करें तो। तो अगर केमिस्ट्री की अगर एक बार बात कर लें कि यार चैप्टर्स तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिला था। पॉलीमर से 2 क्वेश्चन आया था, अमीन्स बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मतलब हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब हम अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स या थोड़ा सरप्राइज हूँ मैं भी, क्योंकि बच्चों के हिसाब से बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो औरों शिफ्ट के हिसाब से ये शिफ्ट थोड़ा इजी था। क्योंकि अभी तक हमने देखा या चाहे 20 जुलाई की बात किया जाए, मतलब 20 जुलाई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात किया जाए, 22 जुलाई का सिर्फ एक शिफ्ट हुआ था उसकी बात किया जाए, और आज का ही मॉर्निंग शिफ्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स बच्चे बता रहे हैं ईजी था। तो बता रहे यार इसमें कितनी सच्चाई है। और हाँ देखो, मैथमेटिक्स का ये बता रहे हैं कि हर एक चैप्टर से कवर करने की कोशिश किया गया है। मैथमेटिक्स रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि लगभग हर एक चैप्टर को कवर करने के लिए कोशिश किया गया था। इंटीग्रेशन से भी 2 क्वेश्चन आया था। तो सारी बातें समझ में आ गया। कंक्लूजन अगर मैं तुम्हें बता दूं तो कंक्लूजन हमारा क्या है, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, फिजिक्स हमारा इजी टू मॉडरेट, और मैथमेटिक्स को भी जो है वो इजी टू मॉडरेट कहूंगा। हालांकि बच्चे तो यार इजी बता रहे, लेकिन मैं बोलूंगा कि इजी टू मॉडरेट लेवल था। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है और तुम्हारा पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और अभी जो है थोड़ी देर बाद तुम्हें जो मार्क्स वाला परसेंटाइल मिल जाएगा 25 जुलाई का, तो मेक श्योर कि तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि तुम्हें वीडियो मिल जाए और सबसे पहले तुम्हें सारी न्यूज मिल जाए। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।